गरीब गांव के अंदर उनको वापस लौटाई जाए। लोगों ने इनको पैसे इसलिए दिए थे कि ये लोगों को झांसा देते थे कि हम आपको सुपर मार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर्स बना बना कर देंगे जिससे बेरोजगारी का खात्मा होगा, और मोटरसाइकिलों की एजेंसियां बना कर देंगे जिससे बेरोजगारी का खात्मा होगा। लेकिन इन लोगों ने पैसा जमा किया और यहां से ये पाकिस्तान से बिजनेस क्लोज करके दुबई भाग गए और दुबई से नेपाल, और इन्होंने किसी एक शख्स को भी ना तो डिपार्टमेंटल स्टोर बना के दिया ना मोटरसाइकिलों की एजेंसी दी, और लोगों का 3 अरब रुपया लूट कर यहाँ से भाग गए। क्या एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि एक चाइनीज कंपनी गोल्ड ट्रांसफर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और ग्रीन एप्पल सुपर मार्केट के नाम से पाकिस्तान में काम कर रही थी, जिसमें कुछ चाइनीज थे कुछ पाकिस्तानी थे। परवेश श्री महफूज साहब पाकिस्तानी थे और बाकी लोग चाइनीज थे। इन लोगों ने पाकिस्तान से 3 अरब रुपया लोगों से जमा किया रोजगार देने के लिए। लोगों को छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपर मार्केट बनाकर देनी थी और मोटरसाइकिलों की एजेंसी। किसी बंदे को एक बंदे को भी इन्होंने ना मोटरसाइकिलों की एजेंसी दी बना के ना सुपर मार्केट या कोई स्टोर बनाकर दिया। यहाँ से 3 अरब रुपया लूट के और हुंडी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चाइना और दुबई शिफ्ट किया और यहाँ से भाग गए, और उनमें से एक मुल्जिम हमने गिरफ्तार करवा लिया है। परवेश शरीफ जो मरकजी मुल्जिम, बाकी मुल्जमान दुबई में। हमारा आपके चैनल के लिए गुजारिश है कि इन मुल्जमान को गिरफ्तार कराने के लिए आप हमारी मुआवनत करें ताकि गरीब आवाम का लूटा हुआ पैसा लोगों को वापस मिल सके। बस में और नहीं बनाया।